दोस्तों, ये जीएसटी की सीरीज का तीसरा वीडियो है और इसमें हम बात करेंगे इनपुट टैक्स क्रेडिट पर। ये इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेसिक वीडियो है। इसमें हम बेसिक समझेंगे इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है। तो चलिए कंटेंट्स देख लेते हैं। पहले व्हाट इज इनपुट टैक्स क्रेडिट, इसमें हम ये डिस्कस करेंगे इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है। प्री कंडीशन ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट, यानी इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलने की प्री कंडीशंस क्या क्या हैं। आइटम्स कवर्ड फॉर इनपुट टैक्स क्रेडिट, यानी कौन कौन से आइटम्स इनपुट टैक्स क्रेडिट में कवर्ड हैं। आइटम्स नॉट कवर्ड फॉर इनपुट टैक्स क्रेडिट, यानी इनपुट टैक्स क्रेडिट पर कौन कौन से आइटम कवर्ड नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रसून अग्रवाल और आप देख रहे हैं पॉकेट मनी। चलिए भरते हैं अपनी नॉलेज की पॉकेट को और बात करते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट पर। इनपुट टैक्स क्रेडिट को समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि टैक्स पेड और इनपुट, यानी इनपुट के ऊपर जो टैक्स पे करते हैं वो क्या चीज़ होती है। इनपुट का मतलब होता है हमारा वो आइटम जो कि हमारे आउटपुट गुड, यानी जिसको हम बेचते हैं, फाइनल बेचते हैं, फाइनल गुड फिनिश गुड्स होता है, उसमें जो भी मटेरियल हम लगाते हैं उस पर जो टैक्स पे करके लाते हैं वो होता है इनपुट टैक्स। और वही आइटम होता है बेसिक रॉ मटेरियल, इनपुट मटेरियल। तो इसमें दो कैटेगरी हैं। एक आपने कुछ रॉ मटेरियल खरीदा, यानी गुड्स खरीदा, इनपुट गुड्स खरीदा, जैसे कि परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, पैकिंग मटेरियल, और सर्विस के केस में रिपेयर ऑफ मशीनरी, टेस्टिंग ऑफ मशीन, अगर कोई मशीन नई लाए हैं या फिर कोई पुरानी ख़राब हो गई है उसके ऊपर जो हम टैक्स पे करेंगे तो वो हमारा इनपुट टैक्स होगा। सरकार हमें इसका क्रेडिट देती है जबकि हम आउटपुट टैक्स पेमेंट करते हैं। पेमेंट के टाइम पे हमें पुराने वाले जो टैक्स है, जो हम पे करके सामान खरीद के लाए हैं टैक्स को, उसका हमें छूट देती है, तो उसका हमें क्रेडिट मिलता है, यानी वही होता है इनपुट टैक्स क्रेडिट। दोस्तों, हम समझते हैं प्री कंडीशन ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट, यानी मेन कंडीशंस क्या हैं। अगर वो फुलफिल हो जाएंगी तो आप क्रेडिट के लिए एलिजिबल हो जाओगे। पहला है रजिस्टर्ड सप्लायर, आप रजिस्टर्ड सप्लायर होने चाहिए। दूसरा है पोजीशन ऑफ टैक्स इनवॉइस और डेबिट नोट, यानी आपने जहाँ से माल खरीदा है वो आपको टैक्स इनवॉइस दे, आपके पास वो इनवॉइस हो और आप ही के नाम पे हो, या डेबिट नोट हो तो आप ही के नाम पे हो और उसमें उस व्यक्ति का वेंडर का नाम, वेंडर का रजिस्ट्रेशन नंबर, जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए। तीसरा है टैक्स पेड टू द गवर्नमेंट बाई वे ऑफ कैश और यूटिलाइजेशन ऑफ क्रेडिट, यानी टैक्स जो है गवर्नमेंट को पेमेंट करा गया हो और उसका या तो पेमेंट करा हो कैश में या फिर अपना क्रेडिट से एडजस्ट किया हो। क्रेडिट से कैसे एडजस्ट होगा वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे जब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एडवांस इसका प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट समझेंगे जीएसटी के, इनपुट टैक्स क्रेडिट के, तो उसमें हम समझेंगे कि कैसे एडजस्टमेंट होता है। उसके बाद है रिटर्न हैश फंडेज, यानी रिटर्न जो है टाइम पे भरी हो, प्रॉपर तरीके से भरी हो और लेट ना हो। सप्लायर हैज़ रिसीव द गुड्स और सर्विसेज और बोथ, और जो आपको इन्वॉइस मिला उसमें जो मटेरियल है वो सप्लायर को मिला हो, ऐसा नहीं है आपकी जगह किसी और को मटेरियल मिला हो और इन्वॉइस किसी और के नाम पे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके बाद है बात करते हैं हम लोग आइटम कवर्ड फॉर इनपुट टैक्स क्रेडिट। ये जो है ना कि कौन कौन से आइटम्स पे हमें क्रेडिट मिलेगा, ये पहले बहुत ज़्यादा हम लोग पुराने जो अभी अपने करंट एग्जिस्टिंग लॉ है, एक्साइज ड्यूटी है या फिर वैट में बहुत ज़्यादा देखने में आता है कि आपको केवल आपकी प्रोडक्शन रिलेटेड, यानी आपकी एक्टिविटी रिलेटेड ही आपको केवल क्रेडिट मिलेगा। पर जीएसटी के अंदर ये चीज़ खत्म कर दी है। जीएसटी के अंदर क्या बोला है उन्होंने कि कोई भी आइटम, कोई भी सर्विस, कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी गुड्स का क्रेडिट मिलेगा अगर वो आपके बिजनेस में काम आती आई है या आने वाली है या यूज़ हुई है या यूज़ होने वाली है। तो इसकी डेफिनेशन हम देख लेते हैं। एनी सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ यूज्ड और इंटेंडेड टू बी यूज्ड, यानी हो चुकी है या होने वाली है यूज़ इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, यानी बिजनेस को बढ़ावा देने, उसके कामकाज में, रोजमर्रा में, बिजनेस में आपकी जो चीज़ काम आ रही है उस पर आपको क्रेडिट मिलेगा। एग्जाम्पल के तौर पे पहले टीवी पे या एसी पे या फ्रिज पे अगर आप लगाते थे ऑफिस में तो भी आपको क्रेडिट नहीं मिलता था। आज की डेट में मान लीजिए अगर जीएसटी आने के बाद अगर एक टीवी आपके एक ऑफिस में लगाया हुआ है और एक आपने घर में या अपने कंपनी के गेस्ट हाउस में लगाया हुआ है तो ऑफिस के किस में तो डेफिनेटली आप बोलोगे कि ये ऑफिस के काम के लिए है तो आपको क्रेडिट मिलेगा। लेकिन घर पे और गेस्ट हाउस में अगर आप बोलते हो कि मैं घर पे और गेस्ट हाउस में भी मैं काम करता हूँ जाके, कुछ लोग होते हैं जो अपने घर से भी बिजनेस चलाते हैं और ऑफिस से भी बिजनेस चलाते हैं दोनों एट द सेम टाइम, तो उनके केस में क्या होने वाला है। तो उस केस में ये होगा कि आपको डिपार्टमेंट को प्रूव करना पड़ेगा कि ये जो प्लेस ऑफ बिजनेस है, ये मेरा घर भी मेरा एक एज ए प्लेस ऑफ बिजनेस है, तो यहाँ पे जो मैं आइटम यूज़ कर रहा हूँ ऐसा तो नहीं 100% आइटम घर के मैं बिजनेस के लिए यूज़ करूँगा, तो इसमें से कुछ आइटम है जैसे कि टीवी
या प्रिंटर, घर में जो प्रिंटर मान लीजिए कंप्यूटर लगा है, प्रिंटर लगा है या एसी लगा है आपके रूम में, तो उसको मैं एज ए बिजनेस पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहा हूँ। आपने एक अलग कमरा बना लिया, उसमें आपने बैठते हो ऑफिस की तरह, तो वहाँ के आइटम्स आपके क्रेडिट के लिए कवर्ड हो जाएंगे। तो उसके लिए क्या करना है आपको कि केवल आपको एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस जो आपका रजिस्ट्रेशन के टाइम पे वहाँ पे आपने घर को भी आपको दिखा देना है। तो इससे आपको एक कन्फर्मेशन मिल जाएगा कि हाँ मैंने मेरा घर से भी मैं बिजनेस ऑपरेट कर रहा हूँ। अब दोस्तों बात करते हैं आइटम्स नॉट कवर्ड फॉर इनपुट टैक्स क्रेडिट। कौन कौन से आइटम्स इनपुट टैक्स क्रेडिट के दायरे में नहीं आते, मतलब इन पे आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा। ये चीज़ बहुत ही ध्यान रखने वाली है, क्योंकि बहुत बड़ा दायरा है मिलने वालों का, और ना मिलने वालों का छोटा सा दायरा है, तो उसको आपको पता होना चाहिए। पहला है सप्लाई यूज्ड, यानी सप्लाई यूज मतलब मैंने इनपुट खरीदा, रॉ मटेरियल का, बेसिक मटेरियल का इनपुट खरीदा, पर बेचने वाली सर्विस क्या है, यानी मेरा फिनिश गुड क्या है। फिनिश गुड में उसमें मैं क्या करता हूँ, पार्टली फॉर बिजनेस, यानी जो मैंने चीज़ खरीद के लाया वो मैंने कुछ तो बिजनेस में लगाया आपने, और कुछ लगाया अदर्स में। तो अगर बिजनेस में जो लगाया उसका हमें छूट मिलेगा, और जो हमने अदर्स अदर्स मतलब बिजनेस के अलावा जो भी चीज़ों में हमने लगाया उसका आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा। उसके बाद आए पार्टली फॉर जीरो रेटेड सप्लाई। जीरो रेटेड सप्लाई वो होती है जिसपे आपका जीएसटी के अंदर 0% के रेट से टैक्स लग रहा है। 0% कैटेगरी में कौन सा आ रहा है, ग्रेन्स, मिल्क और आपका पनीर, जो अनपैक्ड पनीर है, मतलब बाजार में आप हलवाई की दुकान पर जाएंगे तो खुले में जो पनीर मिल रहा है, दूध मिल रहा है या पैकेट वाला दूध मिल रहा है आपका, वो सब जो चीज़ें आ रही हैं ना आपकी, वो आपका इसमें आ रहा है जीरो रेटेड सप्लाई में। तो इसमें अगर कोई ऐसा मटेरियल आप लेके आ रहे हो, पैकिंग मटेरियल लेके आ रहे हो, पॉलीथीन लेके आ रहे हो, ये इस तरीके से कोई मटेरियल आप लेके आ रहे हो जो उसका आपको पैकिंग में सहारा दे रहा है, या फिर उसको निकालने में कुछ भी आपको इफेक्ट दे रहा है, तो उसको उस केस में आपको क्रेडिट मिलेगा। लेकिन पार्टली फॉर एग्जम्प्ट सप्लाई, यानी अगर आप कोई ऐसा सप्लाई लेके आ रहे हो जो एग्जम्प्ट सप्लाई है, मतलब जिसका जिसके ऊपर जीएसटी लगता ही नहीं है, जैसे कि पेट्रोल डीजल, उसमें कोई ऐसा रॉ मटेरियल आप लगा रहे हो कि जिस पर जीएसटी लगता है, तो उस केस में आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा। उसके बाद आता है दोस्तों मोटर व्हीकल एंड अदर कन्वेयंस। मोटर व्हीकल और कन्वेयंस, कन्वेयंस का मतलब हो गया आपका फ्लाइट, मतलब प्लेन्स, फ्लाइट आपका जो आता है ट्रेनिंग स्कूल वगैरह, प्लेन खरीदते हैं, या आपका आ गया शिपिंग में आ गया, बोट्स आ गई, ये सब चीज़ें आपकी इसमें आ जाएंगी। इस पे भी आपको क्रेडिट अलाउ नहीं होगा। तो इसमें लेकिन चार एक एक्सेप्शन दिया हुआ है कि फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, अगर आप ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स करते हो तो आपको क्रेडिट मिलेगा, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स में ट्रांसपोर्ट गुड्स व्हीकल ही होना चाहिए, जैसे कि ट्रक या DCM आपका व्हीकल ट्रांसपोर्टेशन का ही होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप कार लेके उस पर आप ट्रांसपोर्ट का बिजनेस करते हो, ऐसा नहीं है। इसमें एक दो चीज़ें देखने वाली हैं, एक वो कंपनी जो ट्रांसपोर्ट का ही बिजनेस करती हैं उनको तो मिलेगा मिलेगा, क्योंकि उनका तो बेसिक है वो, लेकिन वो कंपनी जो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी करती हैं या ट्रेडिंग एक्टिविटी करती हैं पर अपना व्हीकल उन्होंने रखा हुआ है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के लिए, उनको भी मिलेगा, पर वो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स का कैरियर व्हीकल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको आपने कोई सूमो, टाटा सूमो खरीद ली या ट्रेवरा खरीद ली, उस पर आप लोडिंग अनलोडिंग कर रहे हो, उस पर आपको नहीं मिलेगा। फॉर सप्लाई ऑफ सच व्हीकल और कन्वेंस, अगर आपने देखा होगा बहुत बड़े बड़े ट्रक आते हैं जिसपे कार्स लोडिंग अनलोडिंग होती हैं, जो नई कार्स आती हैं तो वो शोरूम तक कैसे आती हैं, वो बड़े बड़े ट्रक्स में आती हैं, तो वो जो मूवमेंट होगा उन ट्रक्स का जो दूसरे व्हीकल्स को लेके जाते हैं उनका आपको क्रेडिट मिलेगा। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर में हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स केवल उनको मिलेगा जो रेंट ए कैब, टूर ऑपरेटर, इस तरीके का बिजनेस करते हैं, यानी आपका जो मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस है वो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स का होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप कोई कंपनी चला रहे हैं और आप अपनी कंपनी के लोगों को लाने ले जाने के लिए एक गाड़ी खरीदते हैं और फिर बोलते हैं देखिए ये ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स है इसका मुझे क्रेडिट दो, उनका क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स के केस में आपका मेन ऑब्जेक्ट ऑफ बिजनेस ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स ही होना चाहिए। उसके बाद आता है ट्रेनिंग, ड्राइविंग, फ्लाइंग, नेविगेटिंग, यानी एक तरीके से आप ट्रेनिंग पर्पज, लर्निंग के लिए, तो उनका भी एक ऐसे बिजनेस हो गया वो, तो उनके लिए जो गाड़ी सिखाना है या फिर आपको प्लेन सिखाना है, फ्लाइंग स्कूल्स होते हैं, या नेविगेटिंग हो गया आपका, नेविगेटिंग बेसिकली आपका सी सी वगैरह शिप के लिए आ गया, तो वहाँ पे आपको जो इनपुट आपको मिल जाएगा, टैक्स क्रेडिट आपको मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट में एक बड़ी खास चीज़ है कि कोई भी पर्सनल कंजम्पशन की चीज़ों जो है कवर नहीं है आपकी, जैसे कि फूड एंड बीवरेज, आउटडोर कैटरिंग, ब्यूटी ट्रीटमेंट, हेल्थ सर्विस, कॉस्मेटिक एंड प्लास्टिक सर्जरी, मेंबरशिप ऑफ क्लब, हेल्थ एंड फिटनेस सेंटर, ये सब एक पर्सनल नेचर की चीज़ें हैं, ये सब इनपुट टैक्स क्रेडिट इन पे आपको नहीं मिलेगा। रेंट ए कैब, हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, ट्रैवल बेनिफिट्स टू एम्प्लॉय फॉर वेकेशंस, जैसे कि आपका लीव ट्रैवल कंसेशन होता है, तो इन सब चीज़ों पे भी आपको नहीं मिलेगा।
उसके बाद आता है वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस। वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस थोड़ा आपको ध्यान देना पड़ेगा, जो इमूवेबल प्रॉपर्टी पे वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस लगती है मेनली, प्लांट एंड मशीनरी की बात हम नहीं कर रहे हैं, उस पर आपको क्रेडिट मिलता रहेगा। पर इमूवेबल प्रॉपर्टी जैसे कि बिल्डिंग हो गया, इसमें किसी भी प्रकार का कंस्ट्रक्शन ऐसा होता है जो कंस्ट्रक्शन रिपेयर, या तो रिपेयर हो या रिनोवेशन हो या नया हो, किसी भी तरीके का कोई भी कंस्ट्रक्शन होता है उस पर आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा, जब तक कि वो कैपिटलाइजेशन नेचर का होगा। यानी आपने कोई ऐसा खर्चा किया जो कैपिटलाइज ही होना चाहिए, तो उसके ऊपर आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा। हाँ, लेकिन कोई भी ऐसा एक्सपेंडिचर जो आपका PNL है, यानी आपको डायरेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस में चार्ज हो रहा है, उसको आपको क्रेडिट मिल जाएगा। इसमें हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि कैपिटलाइजेशन का कॉन्सेप्ट है, इसमें बेसिकली रीज़न एक है कि अगर आप लास्ट पॉइंट देखोगे कि कैपिटल गुड्स कोई भी हम खरीदते हैं, अगर उस पर उसमें जो टैक्स लग के आता है, अगर उस पर हम डेप्रिसिएशन क्लेम करते हैं तो उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा। समझिए, अगर आपने 100 रुपये की कोई एसेट खरीदी, 5 रुपये का उसके ऊपर GST लगा हुआ है, लेकिन आपने क्या करा, डेप्रिसिएशन जब लगाया तो 105 रुपये पर लगा दिया, तो जो 5 रुपये पर डेप्रिसिएशन मिला ना, तो आपको सिर्फ डेप्रिसिएशन ही फिर क्लेम करना पड़ेगा, आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। अगर आपकी देखिए गुड्स जो हैं आपके चोरी हो जाते हैं या लॉस्ट हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, फ्री सैंपल की तरह आप बांट देते हैं, तो भी आपको उसका क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा। अब आता है एनी टैक्स पेड ड्यू टू सीजर, कॉन्फिस्केशन, शॉर्ट पेमेंट। यानी आपने कोई GST का शॉर्ट पेमेंट किया है, तो डिपार्टमेंट जब आपसे वसूलने आया पैसा, जो एक्स्ट्रा पैसा वसूला, उस पर भी आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा। आपको कहीं आपने कुछ गलती करी, आपको कॉन्फिस्केट कर लिया गया आपका गुड्स, उसको सेल करके जो आपसे उसके बाद आपको जो पेनल्टी प्रोसीडिंग्स करके आपको GST वसूला गया, उस पर भी आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा। कंपोजिशन स्कीम बहुत ज़रूरी स्कीम है, जिसपे हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन कंपोजिशन स्कीम बेसिकली होती है एक तरीके से कि उस पर आपको अपने बिल इनवॉइस पे रेट चार्ज नहीं करना है, और ओवरऑल बेसिस पर आप खाली अपने टर्नओवर के बेस पे आप टैक्स पेमेंट करते हो। तो इन दैट केस अगर आप कंपोजिशन स्कीम में टैक्स पेमेंट कर रहे हो, तो आपको कोई भी प्रकार का क्रेडिट नहीं मिलेगा। दोस्तों, आज हमने जो बात किया है इनपुट टैक्स क्रेडिट का, बहुत ही बेसिक समझा है कि कैसे कैसे इनपुट टैक्स क्रेडिट काम करता है। नेक्स्ट वीडियो जो हमारा आने वाला है, उसमें हम बात करेंगे थोड़ा एक एडवांस और प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पर। इसमें हम बेसिकली बात करेंगे टाइम लिमिट फॉर क्लेमिंग ITC, यानी कितने समय में हमें इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर लेना है, और वरना वो लैप्स हो जाएगा। और उसके बाद हम बात करेंगे व्हेन ITC विल बी रिवर्स, यानी कब ITC रिवर्स हो जाएगी। यानी आपको मिल गई अभी ITC, आप एलिजिबल हो, आपने ले भी ली, लेकिन वो रिवर्स हो गई, किन किन केसेस में रिवर्स होगी, ये हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद आता है ITC फॉर सप्लाईज इन इंस्टॉलमेंट्स। इंस्टॉलमेंट मतलब कोई सर्विस ऐसी है जो इंस्टॉलमेंट में आ रही है, मतलब एक साथ नहीं हुई, इंस्टॉलमेंट नहीं हुई, तो उस केस में हम ITC कैसे लेंगे। उसके बाद आता है ITC ऑन रिवर्स चार्ज पेमेंट। रिवर्स चार्ज पेमेंट पे हम ITC का कैसे बेनिफिट लेंगे। अवेलेबिलिटी ऑफ ITC इन स्पेशल सर्कमस्टांसिस। स्पेशल सर्कमस्टांसिस में अलग अलग केसेस हैं, उसमें हम ITC कैसे लेंगे। इसके बाद इसके अलावा हम बात करेंगे क्रेडिट मैट्रिक्स की, कैसे कैसे कौन कौन से टैक्सेस के अगेंस्ट कौन कौन से टैक्सेस एडजस्ट होंगे, क्रेडिट मैट्रिक्स की हम बात करेंगे। दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस वीडियो देखने के लिए। आप अपने सुझाव, अपने कमेंट्स यहाँ दे सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, वो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को, इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और बहुत सारा प्यार दें मुझे और सपोर्ट करें मुझे। मैं ऐसी वीडियोज़ आपके लिए लाता रहूँगा। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।